किताब एक बेहतरीन दोस्त है। प्यारे बच्चों, किताबें पढ़ना एक फ़ायदेमंद हॉबी है जिसे अपना कर हम बहुत कुछ सीखते हैं। और एक और ख़ास बात, जब हम बाइबल की कहानियों पर मबनी किताबें पढ़ते हैं तो ये वो वक्त है कि जब हम खुदा के प्यार को जान रहे होते हैं। इसीलिए जब भी मौका मिले तो बाइबल की कहानियाँ और अच्छी अच्छी किताबों को ज़रूर पढ़ें। और आज के एपिसोड में भी हम बहुत सी अच्छी बातों को सीखेंगे और अपने एपिसोड का आगाज़ दुआ से करेंगे। आए दुआ करें। प्यार से भरे आसमानी बाप, जिंदगी की हर अच्छी बरकत के लिए तेरा शुक्र हो। खुदावंद, आज के एपिसोड से बच्चे बरकत पाएं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारे चेहरे के 30 मसल्स की एक्सरसाइज होती है। इसीलिए आप खुलकर मुस्कुराएं और आज की एक्टिविटी करने के लिए तैयार हो जाएं। हेलो दोस्तों, मैं लाया हूं आपके लिए एक और जबरदस्त सरगर्मी जिसका नाम है बैलून्स इन द बकेट। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने कुछ बैलून्स पड़े हैं और साथ में पड़ी हैं दो बकेट्स, और आज की सरगर्मी हम इन्हीं के साथ खेलने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ शामिल हैं कुछ बच्चे जिनको हमने पहले से ही दो टीम्स में तकसीम कर दिया है। ये बच्चे यहां से एक बैलून उठाएंगे और एक मखसूस फासले से इन बैलून्स को इन बकेट्स में थ्रो करेंगे। अगर ये बैलून इन बकेट्स में गया तो इनको मिलेंगे 5 पॉइंट्स। हर एक बैलून के बदले में इनको मिलेंगे 5 पॉइंट्स। तो देखते हैं आज की इस सरगर्मी में कौन ज्यादा पॉइंट हासिल करता है और हमारा विनर कौन होगा। तो चलिए इस सरगर्मी को शुरू करते हैं। तो बच्चों, क्या आप सब तैयार हैं? यस! दोस्तों, इस सरगर्मी को करने के लिए इनके पास है सिर्फ 2 मिनट। पहले 1 मिनट में एक खिलाड़ी के पास मौका होगा कि वो बकेट में बैलून्स डाले, जबकि दूसरे मिनट में दूसरे टीम के खिलाड़ी के पास मौका होगा कि वो भी अपनी किस्मत को आजमाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की सरगर्मी को। तो टीम्स, आप तैयार हैं? Yes! तो मुझे बताएं कि आपकी टीम में कौन बैलून पास करेगा और कौन पहले थ्रो करेगा। मैं पहले पास करूंगा। और आपकी टीम में? मैं पहले पास करूंगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, देखते हैं कि गेम के फर्स्ट हाफ में किस टीम ने ज्यादा स्कोर किया है। आइए बैलून्स को काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 9, 10। तो इस टीम ने हासिल किए हैं 50 पॉइंट्स। और अभी देखते हैं कि दूसरी टीम के कितने बैलून हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और इस टीम ने हासिल किए हैं 25 पॉइंट्स। तो पहले हाफ की विनर टीम जो है वो है टीम ए। तो दोस्तों, अभी वक्त है खेल के दूसरे हाफ का जिसमें टीम्स जो है वो स्विच करेंगी। तो आइए शुरू करते हैं अपने खेल को। टीम्स, आप प्लीज स्विच करें। और अब आपके पास 1 मिनट मजीद है जिसमें आप अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं और ज्यादा पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। 1, 2, 3 स्टार्ट। ओके जी, टाइम्स अप। वेरी गुड जी, आप दोनों ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस सरगर्मी में हिस्सा लिया और मैं देख सकता हूं कि दोनों बकेट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट ओवरफ्लो हो रही हैं इन बलून्स की वजह से। तो आइए काउंट करते हैं इन बलून्स को। टीम ए की तरफ से काउंटिंग शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 और इस दफा टीम ए ने 55 पॉइंट्स हासिल किए हैं। आइए देखते हैं टीम बी के कितने पॉइंट्स हैं। 1, 2 आप भी मेरे साथ काउंट कर सकते हैं। 3, 4, 5, 10, 11
और टीम बी ने भी 55 पॉइंट हासिल किए हैं सेकेंड राउंड में और इनके टोटल पॉइंट्स हो चुके हैं 80 और टीम ए जो है उन्होंने हासिल किए हैं 105 पॉइंट्स और जिसके साथ ही टीम ए आज की हमारी विनर टीम है। आप सब इनके लिए क्लैप कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपने आज की सरगर्मी को खूब इंजॉय किया होगा। आप इस सरगर्मी को अपने घर में अपने बहन भाइयों के साथ और अपने सिटी स्कूल में अपने दोस्तों के साथ ही इंजॉय कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नए एपिसोड नई सरगर्मी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। वेरी गुड बच्चों, आई होप कि आज की एक्टिविटी आपने सीख ली होगी। इबादत में गीत गाना तो हर बच्चे को पसंद है और गीतों को एक्शंस के साथ बच्चे सीखकर खुश तो होते ही हैं, लेकिन उनको ये गीत याद भी रहते हैं। इसी तरह आज भी इशायल और समरना आप सब प्यारे बच्चों को आज नया और बड़ा ही प्यारा गीत सिखाने वाली हैं। तो चलें आए सीखते हैं आज का एक्शन सॉन्ग। के नूर में बढ़ता जाऊंगा, हर रोज दुआ और शुक्र गुजारी करता जाऊंगा। मैं यीशु के नूर में बढ़ता जाऊंगा, मैं यीशु के नूर में बढ़ता जाऊंगा, हर रोज दुआ और शुक्र गुजारी करता जाऊंगा। मैं यीशु के नूर में बढ़ता जाऊंगा, मैं यीशु के नूर में बढ़ता जाऊंगा। सुबह को दुआ में मैं खुदा से कुवत पाऊंगा, रात को दुआ में खुदा से हिफाजत चाहूंगा। सुबह को दुआ में मैं खुदा से कुवत पाऊंगा, रात को दुआ में खुदा से हिफाजत चाहूंगा, हर रोज दुआ और शुक्र गुजारी करता जाऊंगा। मैं यीशु के नूर में बढ़ता जाऊंगा, मैं यीशु के नूर में बढ़ता जाऊंगा। मैं यीशु की राह पर चलूंगा ना दूर जाऊंगा। मैं यीशु की भेड़ हूँ ये दुआ मैं उसे बताऊंगा, मैं यीशु की राह पर चलूंगा ना दूर जाऊंगा, हर रोज दुआ और शुक्र गुजारी करता जाऊंगा। मैं यीशु के नूर में बढ़ता जाऊंगा, मैं यीशु के नूर में बढ़ता जाऊंगा। अच्छा मसीह कहलाऊंगा, दुआ मेरी हर सांस में है ये मैं ना भूल पाऊंगा। रोज खुदा से बातें करके अच्छा मसीह कहलाऊंगा, दुआ मेरी हर सांस में है ये मैं ना भूल पाऊंगा, हर रोज दुआ और शुक्र गुजारी करता जाऊंगा। मैं यीशु के नूर में बढ़ता जाऊंगा, मैं यीशु के नूर में बढ़ता जाऊंगा, हर रोज दुआ और शुक्र गुजारी करता जाऊंगा। मैं यीशु के नूर में बढ़ता जाऊंगा, मैं यीशु के नूर में बढ़ता जाऊंगा, मैं यीशु के नूर में बढ़ता जाऊंगा, मैं यीशु के नूर में बढ़ता जाऊंगा।
यीशु के नूर में बढ़ता जाऊंगा और दुआ और शुक्रगुजारी करता जाऊंगा। बड़ा ही प्यारा गीत था। बच्चों अब वक्त है कि हम आज की स्टोरी सुने और आज की कहानी सुनने के लिए हम चलते हैं रूद बाजी के पास। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरा ईमान है कि आप सब बच्चे खैरियत से हैं और आज की कहानी सुनने के लिए भी तैयार हैं। बच्चों अक्सर हमें स्कूल में मुख्तलिफ असातिज़ा पसंद होते हैं, वो हमें जो बात कहते हैं हम उसे मानते हैं और कभी कभार तो हम उन्हें कॉपी भी करने की कोशिश करते हैं ताकि हम उन जैसा बन जाएं। सो बच्चों आज मैं भी आपको बाइबल मुकद्दस में से एक ऐसे शागिर्द के बारे में बताऊंगी जो अपने उस्ताद की तरह बनना चाहता था और ना सिर्फ अपने उस्ताद की तरह बनना चाहता था बल्कि उससे भी बड़े बड़े काम करना चाहता था। सो आइए जानते हैं उस शागिर्द के बारे में। बच्चों खुदा ने एलिया को आसमान पर उठाने से पहले ये हुक्म दिया कि वो साफत के बेटे अलीशा को अपनी जगह नबी होने के लिए मुकरर करे और एलिया ने खुदा का हुक्म माना। जब उसने देखा कि अलीशा 12 जोड़ी बैलों के साथ खेती बाड़ी कर रहा है तो वो उसके पास से गुजरा और जब वो उसके पास से गुजरा तो जानते हैं बच्चों क्या किया? उसने अपनी चादर उस पर डाल दी। अलीशा एकदम से चौंक गया क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ है। थोड़ी ही देर बाद वो समझ गया और एलिया के पीछे दौड़ने लगा और उससे जाकर कहा कि अगर तो इजाजत दे तो मैं अपने वालदैन से इजाजत ले लूं ताकि मैं तेरे साथ चल सकूं। तब बच्चों एलिया ने अलीशा से कहा कि जो तुझे मुनासिब लगे सो तू कर। उसके बाद अलीशा ने एक बैल लिया, उसे ज़िबा किया और अपने खानदान के साथ मिलकर खाने लगा। इसके बाद वो एलिया के पीछे चला गया। अब वो एलिया की खिदमत करने लगा और बच्चों आप जानते हैं अलीशा भी एलिया ही की तरह खुदा के हुक्मों को मानता और खुदा से प्यार करता था। वो एलिया से भी बहुत प्यार करता था, इसीलिए एलिया का आसमान पर उठाए जाने से पहले जब वो और एलिया जलजाल के इलाका में थे तब एलिया ने अलीशा से वहीं पर रुकने के लिए कहा लेकिन अलीशा वहां पर डटा रहा क्योंकि वो उसके साथ रहना चाहता था। इसलिए एलिया ने अलीशा से उस वक्त कहा कि इससे पहले कि मैं आसमान पर उठा लिया जाऊं तो मुझे बता मैं तेरे लिए ऐसा क्या करूं। बच्चों अलीशा ने एलिया से कहा कि ऐ मेरे मालिक मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दुगना हिस्सा मुझ पर हो। बच्चों एलिया ये बात सुनकर हैरान हुआ और उसने कहा ये तो मुश्किल सवाल है, हाँ अगर तू मुझे आसमान पर जाता हुआ देख ले तो तेरे साथ ऐसा ही होगा और अगर तू मुझे आसमान पर जाता हुआ ना देख सका तो ऐसा हरगिज ना होगा। और इसी दौरान एक आतशी रथ और आतशी घोड़ों ने उन दोनों को आपस से जुदा कर दिया और बच्चों देखते ही देखते एलिया आसमान पर उठा लिया गया और जब वो आसमान पर उठा लिया गया तो उसकी चादर आसमान से नीचे गिरी जिसे अलीशा ने उठा लिया और अलीशा चिल्लाया, उसने कहा ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे बाप, ऐ इसराइल के रथ और सवार। तब अलीशा दरियाए यर्दन की तरफ बढ़ा और जब वो दरियाए यर्दन पर पहुंचा तो उसने एलिया की चादर को पानी पर मारा जिससे पानी दो हिस्से हो गया और वो दरमियान से चलकर अपने घर चला गया। बच्चों इसी तरह मैं आपको बताऊं कि एक मर्तबा एक बेवा अलीशा के पास आई और उसे आकर कहने लगी कि मेरा हामन जो खुदा का नबी और खुदा से डरता था अब वो जिंदा नहीं रहा लेकिन वो किसी का कर्जदार है, इसलिए वो कर्जदार मेरे घर आया है ताकि मेरे बच्चों को उठा ले जाए और उन्हें गुलाम बनाए। तब अलीशा ने उस औरत से कहा कि तेरे पास घर पर क्या मौजूद है? उस औरत ने कहा कि मेरे पास सिवाय एक प्याली तेल के और कुछ भी नहीं। तब अलीशा ने उस औरत से कहा कि तू अपने पड़ोसियों की तरफ जा और जितने खाली बर्तन हो सके उनसे मांग ले और फिर अपने बेटों को घर ले जाकर दरवाजा बंद कर लेना और तेल को बर्तनों में उंडेल लेना। उस औरत ने बच्चों वैसा ही किया जैसा अलीशा ने उसे कहा था। फिर वो अलीशा के पास आई और अलीशा से कहने लगा कि इस तेल को बेचकर तू उस कर्जदार का कर्ज अदा कर दे और जो तेल तेरे पास बच जाए उसे तू और तेरे बेटे गुजारा कर सकते हैं। अब बच्चों ये बहुत बड़ा मौजजा था जो खुदा ने अपने बंदा अलीशा के जरिए किया। इसी तरह अलीशा जगह बजगह खुदा के नाम की मुनादी करता और इसी तरह एक दफा वो एक शोनीम इलाके की तरफ गया जहां पर उसे एक अमीर औरत मिली
लेकिन बच्चों दुख की बात कि उस औरत की औलाद ना थी। तब अलीशा ने उस औरत से कहा कि जब मैं अगले साल तेरे यहाँ आऊंगा तो तेरी औलाद होगी। और वाकई बच्चों जब अलीशा अगले साल उस औरत के घर गया तो उस औरत का एक बेटा था, लेकिन चंद साल के बाद ही वो बेटा बीमार पड़ गया और बच्चों इतना बीमार कि उसका दम निकल गया। तब अलीशा ने खुदा की कुदरत से उसके बेटे को फिर से जिंदा किया। और ये कितनी हैरत की बात है कि खुदा ने अपने बंदा अलीशा को अपनी कुदरत जाहिर करने के लिए जगह बजगह इस्तेमाल किया। सो बच्चों, मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगी जिसका नाम नुमान था, जो अरामी फौज का सिपहसालार था और ये एक बहादुर सिपहसालार था। लेकिन दुख की बात ये कि इसे एक बहुत खतरनाक कोढ़ की बीमारी थी। जब अरामी फौज की इसराइलियों के साथ जंग हुई तो वो इसराइली औरतों और बच्चों को अपने साथ असीर करके अपने मुल्क ले गए। और इसी दौरान वो एक इसराइली बच्ची को भी, जिसका नाम हमें नहीं मालूम, उस बच्ची को अपने साथ अपने मुल्क में ले गए और वो बच्ची नुमान की बीवी की खिदमत करने लगी। अब नुमान जो उसका मालिक था, जब उसे पता चला कि मेरा मालिक एक खतरनाक बीमारी में मुब्तला है तो उसे बहुत दुख हुआ। तब वो अपनी मालकन से कहने लगी कि काश मेरा मालिक सामरिया में उस नबी के पास जा सकता जो उसे शिफा देता। तब उस मालकन ने नुमान के साथ इस बात का जिक्र किया और नुमान इस बात को सुनकर बहुत खुश हुआ और नुमान अपने साथ बहुत से तहाइफ लेकर सामरिया की तरफ निकल पड़ा। जब वो सामरिया पहुंचा तो उसे लगा कि शायद अलीशा उसका इस्तकबाल करने के लिए बाहर आएगा और उसे मिलेगा, क्योंकि वो एक अमीर शख्स था। लेकिन अलीशा ने अपने खादिम के जरिए नुमान को ये कहला भेजा कि तू दरियाए यर्दन में 7 बार गोता लगा तो तू शिफा पा जाएगा। लेकिन नुमान को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगा कि क्या हमारे मुल्क में इसराइल के दरियाओं से बेहतर दरिया नहीं? क्या मैं वहां पर 7 मरतबा गोता लगाकर पाक साफ नहीं हो सकता? इसके बाद उसके खादिम उससे कहने लगे कि ऐ मालिक, अगर वो नबी तुझे इससे भी बड़ा मुश्किल काम करने के लिए कहता तो क्या तू वो ना करता? तब नुमान ने वैसा ही किया। वो दरियाए यर्दन में गया और उसने गोता लगाना शुरू किया और जब वो 7वां गोता लगा रहा था तो बच्चों जानते हैं क्या हुआ? उसका जिस्म बिल्कुल पाक साफ हो गया और वो बहुत खुश हुआ। उसने उसी वक्त खुदा की शुक्रगुजारी की और उसी वक्त ये फैसला किया कि अब से वो इसराइल के खुदा यानी जिंदा खुदा की प्रस्तिश किया करेगा। इसी खुशी में वो अलीशा के पास आया और वो तहायफ जो वो अपने साथ लाया था अलीशा को देने लगा। लेकिन अलीशा ने वो तमाम तहायफ को लेने से इनकार कर दिया। लेकिन बच्चों, अलीशा का एक खादिम जिसका नाम जहाजी था, उसने तहायफ का कुछ हिस्सा नुमान से ले लिया। और जब अलीशा को इस बात का इलम हुआ तो अलीशा ने उससे पूछा कि तू भूल गया है कि खुदा तुझे देख रहा है? उसके बाद भी बच्चों उसने अलीशा से झूठ बोला और कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसी वक्त अलीशा ने उससे कहा कि जो बीमारी नुमान को थी अब वो तुझे और तेरी औलाद को होगी। बच्चों, जिस तरह अलीशा ने एलिया की फरमाबरदारी की और इसी फरमाबरदारी की वजह से उसे खुदा से सरफराजी मिली, और दूसरी तरफ जब हम देखें कि जहाजी ने अपने उस्ताद यानी अलीशा की नाफरमानी की और उससे झूठ बोला और इसके बदले में उसे बरकत की बजाय लानत मिली, बच्चों खुदा आपको और आपके घराने को इस कहानी के वसीला से बरकत दे। थैंक यू सो मच। आई होप बच्चों कि आपने आज की कहानी बड़े ध्यान से सुनी होगी। अब आपने अलीशा नबी की जिंदगी के बारे में जो कुछ सीखा है उसको याद रखना है और अपनी फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करना है। अब वक्त है कि हम आज की मेमोरी वर्ड सीखें। हिफ्ज़ी आयत के इस सेगमेंट में आप सब बच्चों को खुशामदीद। जैसा कि आज के एपिसोड में हमने एक बहुत शानदार सरगर्मी देखी, एक्शन सॉन्ग सीखा, बाइबल की कहानी सुनी, सो अभी वक्त है कि हम आज की हिफ्ज़ी आयत सीखें। और आज की हिफ्ज़ी आयत हम सैरा और स्टिफनेस के साथ मिलकर सीखेंगे। तो बच्चों, आज की आयत सीखने के लिए आप दोनों तैयार हैं? Yes. तो चलिए मिलकर आज की आयत सीखते हैं, लेकिन आज की आयत हम एक्शंस के साथ सीखेंगे। और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। बच्चों, एक दफा फिर से इस आयत को दोहराते हैं।
और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। इफिसियों 5वां बाब उसकी 21वीं आयत। जबरदस्त बच्चों, आप दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से एक्शंस के साथ आज आयत सीखी। बच्चों, खुदा इस आयत में चाहता है कि हम उसके ताबे रहें, ना सिर्फ उसके बल्कि अपने बड़ों का भी कहना माने, बिल्कुल उसी तरह जैसे अलीशा ने खुदा का कहना माना और उसके बाद खुदा ने उसे सरप्राइज़ अता की। सो आज की आयत आप एक्शंस के साथ खुद भी सीखें और दूसरे बच्चों को भी सिखाएं। गॉड ब्लेस यू। अलीशा ने अपने उस्ताद एलिया की दिलो जान से खिदमत की और एलिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद रुका दुगना मसा हासिल किया और पाखरू की इसी कुव्वत से उसने बड़े बड़े मोजज़ात किए। यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद उसने हमारे लिए भी मददगार यानी पाखरू भेजा, जो हमारा सबसे बड़ा उस्ताद है और जो हमें यीशु मसीह के बारे में बताता और सिखाता है। अब हमें पाखरू की मदद और रहनुमाई में यीशु मसीह के पीछे चलने की ज़रूरत है, ताकि हमारी ज़िंदगियों से यीशु के बड़े बड़े काम जाहिर हों और हम दूसरों के लिए बरकत का बायस बन सकें। मौसम बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन खुदा का कलाम कभी भी तब्दील नहीं होता, बल्कि वो हमारी ज़िंदगियाँ तब्दील कर देता है। तो आए बाइबल की कुछ सच्चाइयाँ जानते हैं और बाइबल मुकद्दस के बारे में अपनी मालूमात में इजाफा करते हैं। बाइबल मुकद्दस में से पहली सच्चाई ये है कि अलीशा के नाम का मतलब मेरा खुदा नजात है। दूसरी सच्चाई ये है कि अलीशा नबी ने अपनी जिंदगी में 16 मोजज़ात किए। आज की तीसरी सच्चाई ये है कि अलीशा नबी एक किसान था, जिसका जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस में सलातीन की दूसरी किताब के 13वें बाब की 14 से 19 आयात में मिलता है। प्यारे आसमानी बाप, आज के संडे स्कूल के वसीला से हमें बरकत देने के लिए तेरा शुक्र हो। हमारी मदद कर कि आज जो कुछ भी हमने इस एपिसोड में से सीखा है उसे खुद भी याद रखें और दूसरों को भी बताएं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आज के एपिसोड से फिर से खुदा का शुक्र करते हुए और आप सब प्यारे बच्चों को ढेर सारा प्यार देते हुए मैं आप सबको खुदा हाफिज़ कहती हूँ। लेकिन एक रिमाइंडर कि हमारे यूट्यूब चैनल उम्मीद किड्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय।